स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ फॉर न्यू क्रिएटर्स एंड ऑफ कोर्स जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी यह न्यूज़ है। और वो न्यूज़ यह है कि यूट्यूब ने एक नया अपडेट जारी किया है, मतलब यूट्यूब एक नया अपडेट लेकर आया है, वो भी मोनेटाइजेशन से लेकर। जी हाँ, अभी तक तो ये चलता था कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे देन यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, बट ऐसा नहीं है। 12 तारीख को मतलब यूट्यूब ने एक नई पॉलिसीज लॉन्च कर दी है और उस नई पॉलिसीज़ के अंदर ये है कि आपको अब 10,000 सब्सक्राइबर नहीं बल्कि 4,000 रिव्यू चाहिए होंगे, वो भी इन द प्रीवियस 12 मंथ एंड 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे, तभी आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होगा, वरना नहीं होगा। इसके साथ साथ जो अभी पुराने यूट्यूबर्स भी हैं जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, उनके लिए भी यही रूल लागू कर दिया गया है कि अगर आपका 4,000 रिव्यू नहीं होता है आवर्स के हिसाब से, वॉच आवर्स, अगर 4,000 वॉच आवर्स नहीं होगा तो आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर ये मैसेज इन्होंने दिया हुआ है, मोनेटाइजेशन नॉट एनेबल्ड, यू कैन अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन एट एनी टाइम, टू बी अप्रूव्ड ऑल चैनल्स नीड एट लीस्ट 4,000 वॉच आवर्स इन द प्रीवियस 12 मंथ एंड 1,000 सब्सक्राइबर, दिस रिक्वायरमेंट अलाउज अस टू प्रॉपरली evaluate new channels and help protect the creator community। मतलब इन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये और अच्छी तरह से जो क्रिएटर्स हैं, न्यू क्रिएटर्स आते हैं कंटेंट लेकर, तो कंटेंट को और अच्छी तरह से जांच सके कि हाँ ये कंटेंट एलिजिबल है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए कि नहीं है, उसके बाद ही उसे मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल किया जाएगा, वरना उन्हें इनेबल नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से ये बैड न्यूज़ भी है क्योंकि इसके पहले 2-3 साल पहले ये होता था कि यूट्यूब पर डायरेक्टली मोनेटाइजेशन होता था, आपने मोनेटाइजेशन ऑप्शन क्लिक किया और डायरेक्टली हो जाता था। उसके बाद फिर उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी कि 10,000 सब्सक्राइबर होंगे देन आपका चैनल रिव्यू पर जाएगा, जब रिव्यू पर जाएगा और यदि रिव्यू फाइनल हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो YouTube के द्वारा आपको ईमेल किया जाता था कि हाँ आपका मोनेटाइजेशन अब इनेबल है और आप मतलब पैसे कमा सकते हैं, सीधी बात। लेकिन अब इन्होंने अभी ये नया एक पॉलिसीज ला दी मोनेटाइजेशन के लिए कि आपको गेट रिव्यूड आफ्टर रिचिंग 4,000 वॉच आवर्स इन द प्रीवियस 12 मंथ एंड 1,000 सब्सक्राइबर, ठीक है। ये इन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च की है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपॉन रिचिंग दिस threshold your channel is automatically reviewed to make sure it complies with the YouTube partner program terms and our community guidelines, we will email you a decision usually within a week, okay। तो आपको ये threshold complete करना होगा, मतलब आपको 4,000 watch hours complete करने होंगे previous 12 month में और 1,000 subscriber करने होंगे, तभी YouTube partner program जो community है वो आपके लिए review करेगी और उसके बाद ही ये final करेगी कि आप का कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए है या नहीं है। और इसके अलावा मैं इसका आपको ले चलती हूँ जहाँ पर इन्होंने ये ब्लॉग पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ कि चेंजिंग द एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ 4,000 आवर्स ऑफ वॉचिंग विद इन द पास्ट 12 मंथ एंड 1,000 सब्सक्राइबर, वी हैव अराइव्ड एट दीज न्यू थ्रेशहोल्ड्स आफ्टर थ्रू एनालिसिस एंड कंजर्वेशन विद क्रिएटर्स लाइक यू। और ये जो पॉलिसीज़ है सबसे ज़्यादा जो न्यू क्रिएटर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया उनके लिए है। और इन्होंने ये भी दिया कि ऑन फेबरी 20, 2018 वी विल आल्सो इम्प्लीमेंट दिस थ्रेशोल्ड अक्रॉस एग्जिस्टिंग चैनल्स ऑन द प्लेटफॉर्म टू अलाउ फॉर अ 30 डेज ग्रेस पीरियड ऑन दैट डे चैनल्स विथ फ्यूअर देन 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच आवर्स विल नो लॉन्गर बी एबल टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो अगर आपके 4,000 वॉच आवर्स नहीं होंगे तो आप यूट्यूब से पैसे नहीं कमा पाएंगे। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि नो लॉन्गर बी एबल टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब व्हेन देयर इज 1,000 सब्सक्राइबर एंड 4,000 वॉच आवर्स, दे विल ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएट अंडर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इन एंश्योर दे कंपाइल विद अवर पॉलिसी, न्यू चैनल्स विल नीड टू अप्लाई एंड देयर एप्लीकेशन विल बी एवेल्युएट व्हेन दे हिट दिस माइलस्टोन।
ओके यहाँ पर थो दीज चेंजेस विल अफेक्ट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चैनल्स 99% ऑफ दोज अफेक्टेड वर मेकिंग लेस देन $100 पर ईयर इन द लास्ट ईयर विथ 90% अर्निंग लेस देन $2.50 इन द लास्ट मंथ एनी ऑफ द चैनल हु नो लॉन्गर मीट द थ्रेशोल्ड विल बी पेड व्हाट दे वी ऑलरेडी अर्न बेस्ड ऑन अवर एडसेंस पॉलिसीज। तो ये एक न्यू पॉलिसीज थी जो यूट्यूब ने क्रिएटर्स के लिए अभी अभी लेकर आए हैं। तो अब आपको और मेहनत करनी होगी, अपने कंटेंट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब ये कंटेंट भी बहुत अच्छे से देखेंगे। मतलब सिर्फ 4000 आवर्स ही ज़रूरी नहीं है, 4000 आवर के साथ साथ आपका कंटेंट भी रिव्यू पर जाएगा और उसके बाद ही आपका मोनेटाइजेशन एनेबल होगा। ओके तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।